हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक्निकल आश्रम। दिस इज अभिजीत गुप्ता एंड फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल न्यूज़ रिलेटेड टू गूगल, वन प्लस फाइव, BSNL, मोबिक्विक, ट्राई, जियो एंड HMD ग्लोबल। सो फ्रेंड्स, यह पहला अपडेट जो निकल के आता है वो है शाओमी के मी मिक्स 2 को लेके। सो फ्रेंड्स, शाओमी का मी मिक्स 2 आज इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि चाइना में लॉन्च हो गया था 1 मंथ पहले ही, और आज वो इंडिया में आ जाएगा। और शाओमी का मी मिक्स 2 सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है अपने बेजल लेस डिस्प्ले की वजह से, और इस फोन के स्पेसिफिकेशंस क्या है वो तो फ़ोन आज लॉन्च होगा तब हम आपको बता ही देंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेट टू लॉन्च द फोन। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है गूगल की ओर से। सो फ्रेंड्स, गूगल ने अपना लॉन्च कर दिया है डोमेन रजिस्टर सिस्टम इंडिया में। सो गूगल का खुद का आपको रजिस्टर सिस्टम मिल जाएगा इंडिया में, जिसकी जहाँ से आप डोमेन परचेस कर सकते हो। जहाँ पहले आप गोडेडी एंड बिकरॉक से जो डोमेन परचेस कर सकते थे वो अब आप गूगल से भी कर सकते हो। और गूगल का ये डोमेन रजिस्टर सिस्टम सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है अपने यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस को लेके, जो कि बनाया गया है यूज़र के यूजेज को देख के। सो फ्रेंड्स, अब डोमेन परचेस करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, तो आप कहीं से भी डोमेन परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है वन प्लस फाइव की ओर से। सो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पहले और वीडियो में कि वन प्लस फाइव टी वन प्लस स्किप करने वाला है एक र्यूमर के हिसाब से, और डायरेक्ट लॉन्च करने वाला था वन प्लस सिक्स। तो अब एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वन प्लस अपना वन प्लस फाइव टी स्किप नहीं करने वाला है और डायरेक्ट और लॉन्च करने वाला है अपना वन प्लस फाइव टी नवंबर में। तो और एक रिपोर्ट के हिसाब से इसका स्क्रीन रेशियो भी बाहर आ गया है कि आपको इसमें मिल जाएगा 18:9 का स्क्रीन रेशियो, जो कि बहुत सारे फ़ोन्स में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब जब रियल में फ़ोन आ जाएगा तब हम मान लेंगे कि हाँ भाई फ़ोन आ गया है मार्केट में, और उसके स्पेसिफिकेशंस भी तब हमें पता चल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ट्रूथ क्या है वो तो फ़ोन आएगा तभी पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है BSNL मोबीक्विक को लेके। सो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले BSNL मोबीक्विक के साथ टाइप करके एक वॉलेट लॉन्च किया था, और उस वॉलेट ने इंडिया में ट्रांजेक्शन का टर्नओवर कर लिया है 1 करोड़ से ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी पहली टेलीकॉम कंपनी है जिसने ये अमाउंट क्रॉस किए ऑनलाइन वॉलेट ट्रांजेक्शन में। सो फ्रेंड्स, BSNL है मोबीक्विक के अभी इतना सारा फेमस कैसे हो गया वो मुझे नहीं पता, बट इसने 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस कर दिया है और अपना टर्नओवर भी बढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है HMD ग्लोबल की ओर से। सो फ्रेंड्स, HMD ग्लोबल ने नोकिया के साथ मिलके ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 मिलियन स्मार्टफोन्स सेल कर दिए हैं एक्सेप्ट चाइना। यस फ्रेंड्स, ये फ़ोन्स चाइना में लॉन्च नहीं हुए थे, और जो फ़ोन्स सेल हुए हैं वो है नोकिया 357 सीरीज़ वाले फ़ोन। तो फ्रेंड्स, नोकिया एक ट्रस्टेड ब्रांड है, भरोसा रखते हैं लोग इसमें। सो फ्रेंड्स, ये फ़ोन तो सेल होने ही वाला है, वो मुझे भी पता था और आपको भी पता था पहले से। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है, जिसे सुन के आप और कंफ्यूज हो जाने वाले हो, ट्राई अब ये कह रहा है कि जियो इज़ द फास्टेस्ट 4G नेटवर्क ऑफ इंडिया अब तक का। किसकी बात माने यार, कौन है सबसे फास्टेस्ट और कौन नहीं है? बीच में ओपन सिग्नल कह रहा था कि एयरटेल सबसे फास्ट है, और अब ट्राई कह रहा है कि जियो सबसे फास्ट है, और ट्राई तो ये भी कह रहा है कि एयरटेल तो सबसे लास्ट में है यार फास्टेस्ट नेटवर्क की स्पीड में। सबसे पहले आता है जियो, फिर आता है वोडाफोन, फिर आता है आइडिया, और फिर आता है एयरटेल। अभी यार किसकी बात माने, सच्चाई तो यूज़र्स को भी पता है कि क्या है सच्चाई। सो फ्रेंड्स, अगला और आखिरी अपडेट जो है निकल के आता है वो है जियो की ओर से फिर से। सो फ्रेंड्स, जियो लॉन्च करने वाला है अपना पेमेंट बैंक दिसंबर में, जो कि जियो टाइप करने वाला है SBI के साथ। तो फ्रेंड्स, अब आपको कितने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नहीं एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, और आपका जो नॉर्मल अकाउंट है बैंक में वो, प्लस जो कि फ्रीचार्ज वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट्स भी अवेलेबल है। तो आपको ट्रांजेक्शन करने में तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल न्यूज़। सो फ्रेंड्स, टिल देन दिस इज अभिजीत साइनिंग ऑफ, एंड आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी व्यूज और क्वेश्चन फॉर अस प्लीज़ कमेंट इट बिलो, एंड अगेन प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।